स्विच करना हार नहीं, फ्लिप करना हार नहीं, चेंज करना हार नहीं, शिकस्त कबूल करना हार नहीं, शिकस्त कबूल करना हार नहीं, शिकस्त ना मानना हार, एडवर्सिटी अपनाना हार नहीं, मनूवर चेंज करना हार नहीं, एक रास्ते से नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता अपनाना हार नहीं। हार तब है जब इंसान टिक के कहता है कि मैं यही और मैं इससे ज्यादा तब्दील नहीं ला सकता, और उससे सीखता भी नहीं, सीखता भी नहीं है, तब्दील नहीं लाता, तगय्युर भी नहीं करता। जब जब एक चीज नहीं हुई, फिर जंगे बदर हुई, फिर जंगे बहुत हुई, फिर जंगे खंदक, और चलता रहा मामला, ग्रो करते रहे मुसलमान, ग्रो करते रहे। पॉइंट ये है कि जब आप कबूल नहीं करते, जब आप गलती कबूल नहीं करते, जब आप मशवरा कबूल नहीं करते, जब वक्त का तकाजा कबूल नहीं करते, जब आप खालिक के इशारे कबूल नहीं करते, जब आप लोगों की तनकीद कबूल नहीं करते और शायद ताईद भी कबूल नहीं करते, जब आप कुछ कबूल ही नहीं करते और आप वहां पर पत्थर के हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं यही हूं और इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, मैं अपने अंदर किसी किस्म का तगय्युर नहीं लेके आऊंगा, एब्सोल्यूट हो जाते हैं वहां पर और आपने कोई सब्जेक्टिविटी का ख्याल नहीं रखना, आपने ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ही रहना है भजन, फिर यही आप, ये असल हार है। असल शिकस्त ये है कि आप एंड तक ये नहीं कहते रहते मुझे सीखना है, मुझे मजीद जानना है, हो सकता है मुझसे गलती, हो सकता है कोई पहलू रह गया, हो सकता है कि कोई ऐसी डूबे ना, तो इसलिए जितना आपको इल्म आएगा ना उतना आपको अंदर मजीद जानने की कोशिश होगी कि मुझे क्या नहीं आता, जितना कम इल्म होगा ना उतना आपके एब्सोल्यूट फतवे होंगे मैं गलत नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है समझने की कि कहाँ मैं ठीक हूँ कहाँ मैं, मैं ठीक ही हूँ, ये सोच आती है कम इल्म में। और जितनी आपकी इल्म की वसत बढ़ती है, उसकी गहराई बढ़ती है, आप में डर आता है, आप में घबराहट आती है, आप में एक लिहाज आता है कि हो सकता है कोई और पहलू, हो सकता है कोई और पहलू, और इसी से आप एक बड़ी सल्तनत खड़ी कर सकते हैं।